अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से बताएंगे यूनिक स्टाइल में बालूशाही की रेसिपी। कमर्शियल रेसिपी है, तो थोड़े से मैदे में आपने कैसी बनानी है, मुकम्मल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने घर पर कैसे तैयार करनी है। तो व्यूअर, सबसे पहले हमने लेनी है 100 ग्राम दही, और इसमें 2 दफ़ा करके हम सोडा लगाएंगे, आधी से भी आधी चम्मच हम इसमें लगा रहे हैं ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। और इसमें दही में थोड़ा सा हमने हाथ से मिक्स करके उसमें शामिल करेंगे पानी। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। और ये हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी हमारे पास 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव पानी है। इसको मिक्स कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे घी, दानेदार घी। हमने इसको थोड़ा गर्म करके ठंडा कर लिया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, तो इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो 500 ग्राम हमने इसमें शामिल कर दिया ये घी, क्योंकि हमारे पास जो माप होता है वो वज़न के हिसाब से होता है। जो हमारे पास ये घी वाला माप है ये 500 ग्राम का है। तो पहले 750 ग्राम हमने पानी शामिल किया, 500 ग्राम घी शामिल किया, 100 ग्राम दही शामिल की, और मिसाला जो मीठा सोडा था वो 10 ग्राम था। तो इसमें डाल देंगे 1500 ग्राम मैदा, यानी कि 1 किलो 500 ग्राम मैदा डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों की मदद से। तो व्यूअर्स, याद रहे कि आपको बालूशाही की मल्ली जब भी आपने बनानी है तो आपने इस तरीके से तोड़ तोड़ के मिलानी है। तो कभी जैसे आपने घर पे आटा गूंथते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं मिलाना, आपने इसको तोड़ तोड़ के मिलाना, हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से दबाना है ताकि डो जो है हमारी उसकी अफादियत बरकरार रहे, वो घी ना छोड़े। तो माशाल्लाह हमने डो तैयार करके एक बड़े थाल के अंदर निकाल दिए, तो उसको ऊपर थैली की मदद से कवर कर देंगे ताकि इसकी खुश्की जो है वो ना आए, और ऊपर से पपड़ी भी ना बने, खुश्की भी ना आए। छोटे छोटे पेड़े बनाते जाएंगे, और इन छोटे छोटे पेड़े से एक मज़ीद और हम इनसे छोटे पेड़े बनाएंगे। तकरीबन एक जो हमारा पेड़ा होगा वो 25 से 30 ग्राम का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वाज़े तौर पे, 25 से 30 ग्राम का होगा। तो हम इसको बनाएंगे, और इसमें जो शीरा जज़ब होगा वो तकरीबन 20 ग्राम शीरा होगा, तो 50 ग्राम का हमारा एक पीस बनेगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपने अगर घर पे बनानी है तो किस तरीके से बनानी है मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक पेड़ा उठाएंगे, उसको थोड़ा सा सख्ती वाले हाथों से के साथ थोड़ा सा दबाएंगे, इस तरीके से निशान लगा के इसको रखते जाएंगे। अगर आप इसको ऐसा निशान आपके साथ नहीं लगा सकते तो आप वैसे सिंपली तौर पर आप ऐसे ना उंगली का निशान इसमें थोड़ा सा दबा के लगा दें ताकि सुराख जो है वो आर पार हो जाए। ये हलवाई स्टाइल में बिल्कुल हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से। इसी तरीके से हमने माशाल्लाह बालूशाही जो है सारी इसी तरीके से बना ली है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, लाइक और सब्सक्राइब करें, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप हमें अपनी राय से आगाह भी करें। तो माशाल्लाह से अब हम इसको शामिल करेंगे, एक दाना हमने इसमें शामिल किया घी में, घी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो माशाल्लाह टेम्परेचर जो है आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करके आपने बिल्कुल इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देना है। तो बालूशाही इसमें शामिल कर देंगे, तो बालूशाही जब तक ऊपर नहीं आएगी तब तक आपने चूल्हा नहीं खोलना। जब बालूशाही सारी ऊपर आ जाएगी फिर आपने नीचे चूल्हा खोलना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह देखें, ये हमारी ये बालूशाही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रही है, जो माशाल्लाह कलर भी काफ़ी हद तक इसको आ गया। तो मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 25 से 30 मिनट फ्राई होगी इसकी। 25-30 मिनट फ्राई होने के बाद माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त और गोल्डन कलर जो है बालूशाही का वो रेडी हो गया। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल कड़कपन और ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त बालूशाही हमारी वो रेडी हो गई है। इसी तरीके से सारा हम इसको एक स्ट्रेनर पर निकाल देंगे, यानी कि एक छन्ने पर निकाल देंगे ताकि इसका जो घी है वो सारा रिस जाए।
तो अगली तैयारी हम इसका तैयार करेंगे शीरा। शीरा हम तो कमर्शियल रेसिपी में हम ज़्यादा ही तैयार करते हैं, अगर आपने जो घर पे बनाना है उसका तरीकाकार भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वो आप कर लें। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 किलो चीनी, 2 से 2.5 किलो चीनी हमने वज़न नहीं किया, हमने ऐसे अंदाजे से डाली, 2 से 2.5 किलो चीनी डाल के हमने इसमें शामिल कर देंगे पानी, 1.5 किलो पानी शामिल करके तो इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। एक तार का शीरा बनाएंगे, दरमियानी एक तार का, ठीक है व्यूअर्स, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है और आपने हमें बताना भी, अपनी राय से आगाह भी करना है कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी तरीके से माशाल्लाह ये हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया, एक तार का शीरा हमारा जो तैयार हो गया। तो बालूशाही हम थोड़े पीस हम जो हैं वो इसमें पाकेंगे, पीस जो हम थोड़े से करेंगे, सब पीसों को हमने शीरने लगे ना माशाल्लाह, शीरे में हमने डिप कर दिया। ये शीरा माशाल्लाह गर्म था, ज़्यादा गर्म भी होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।